गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके सामने न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ। आज हमारे साथ जो टॉपिक हो ना, बहुत बढ़िया तरीके से टॉपिक होने वाला है। हम बात करेंगे हिस्ट्री, जैसे ही इंसिने की हिस्ट्री बनी ना, वो इनके बाद शेयर करेंगे। उससे पहले इंसिने का नाम बता देता हूँ। इंसिने का नाम है मार्क्यूस कल्पे सीनियर, बेजीगर अमले से बिलोंग कर रहे हैं। अभी जो इनकी स्टडी चल रही है ना, समथिंग कॉलेज चल रहा है। आज कॉलेज करते करते सीनियर है ना, लाखों रुपये कैसे कमा रहे हैं हम सीनियर से जानते हैं। उससे पहले गुड मॉर्निंग कल्पे सीनियर, मजे में? ओके, हम कल्पे सीनियर से उस सवाल पूछते हैं। सर, आप बिजनेस में आए, सबसे पहले क्या सवाल मैं पूछूं, आप बिजनेस के अंदर आए तो आपने क्या क्या बिजनेस को लेके और बिजनेस से कैसे इतना आप अर्न कर रहे हो, कुछ सीनियर हम व्यूअर को बताना चाहोगे आप? देखो, सिंपल सी बात है, बिजनेस को करने का कोई मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमने भी आपकी तरह यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर आए थे। हमने भी उस टाइम पर ड्रीम देखा था कि हमें भी कहीं ना कहीं मार्केट बनना है, राइट? तो आपको पता है कि अगर हम भीड़ के अंदर रहेंगे तो हम बन जाएंगे, राइट? और आपको पता होगा अगर आपको बस के अंदर सड़ना है और वहाँ पर आप साइड में खड़े जाओगे तो नहीं सड़ पाओगे, पर अगर भीड़ के अंदर खड़े रहेंगे तो आप सड़ पाओगे। तो वैसे मैं भी यहाँ पर आ गया भीड़ के अंदर और मैं भी बन गया। ओके, सीनियर समथिंग है ना, इस बिजनेस को लेके सीरियस हुआ ना, एक साल दो महीने तक सीनियर घर पे नहीं गए, और घर पे नहीं जाने का रीज़न इन सीनियर ने एक ठान लिया था, मुझे मेरी लाइफ के अंदर मुझे कुछ करना है। और सीनियर ने एक साल दो महीने के अंदर रैंक अचीव किया, मार्क्यूस रैंक। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर, आपने कैसा फील हो रहा है मार्क्यूस बनते ही? ओके, थैंक यू सो मच, आपका सवाल बहुत जाहिर है। पर देखो, एक चीज़ होती है, जैसे आप सभी लोगों की रैंक होगी 20, 30, 40 है ना, उस टाइम पर मैं भी एक नॉर्मल रैंक पर काम कर रहा था। तो उस टाइम पर पता क्या था, उस टाइम पर एक सीनियर का डेमो आया था, महावीर सिंह का डेमो आया था। उस टाइम पर मैंने डेमो देखा था और उस टाइम पर सीनियर ने शेयरिंग की थी कि अगर हमारे पास पैसे हो गए तो हर दिन क्या होगी, दीपावली होगी। तो उस टाइम पर मैंने भी एक चीज़ सोची थी, सारा मैं जब तक मार्क्यूस नहीं बनूंगा तब तक घर पर जाऊंगा ही नहीं कभी। और रियल में रक्षाबंधन भी आई थी उस टाइम पर, हम सीनियर साथ में थे, है ना, जन्माष्टमी भी साथ में आई थी, दीपावली भी साथ में आई थी, और उस टाइम पर हम सिंदर के साथ थे, मिथुन सिंह के साथ, चिराग सिंह के साथ, सभी के सभी मार्क्यूस। सर, एक टाइम पर रिधि सिंह के साथ थे, वो भी मार्क्यूस है, नीलम सिंह थे, वो भी मार्क्यूस है, सभी के सभी आज मार्क्यूस है। पर कहने का मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। घर पर जाएंगे तो घर पर टिकट बड़ा खर्चा होगा, पर उस जाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे एक टाइम पर, और आज के टाइम में पैसे सारी चीज़ें, आज हर एक महीने पर घर पर जाता हूँ फिर भी इनकम आती है, पैसे इनकम 15 दिन घर पर था फिर भी 80,000 इनकम आएगी अच्छे से। ओके, सीनियर ने बताया मेरी हाइस्ट चेक आया ना 80,000 आया। अब सोचने वाली ये बात है, सीनियर के पास एज की बात करें, सीनियर की एज है ना 19 साल है, 19 साल के अंदर अभी भी सीनियर की यानी यहाँ पे दाढ़ी नहीं आई। उससे पहले सीनियर के पास एक 2-व्हीलर बाइक है, बहुत बढ़िया एक बाइक है, वो भी समझिए 2 लाख की प्लस की बाइक है। सर, कैसा फील हो रहा है बाइक आपको ला के? देखो सीनियर, एक टाइम ऐसा था जब हमने भी लोगों को देखा था ड्रीम, मतलब जो सीनियर है, केतन सीनियर है, वो एक टाइम पर गाड़ी लेकर जा रहे थे, तो हमने भी एक टाइम पर ड्रीम देखा था कि हमें भी कहीं ना कहीं हमारे पास भी स्पोर्ट बाइक हो, हमारे पास भी कोई अच्छी खासी गाड़ी हो। तो उस टाइम पर मैंने ड्रीम देखा था कि यार भले आज के टाइम मेरे पास साइकिल चलाने की औकात नहीं है, पर एक टाइम ऐसे ही अपने औकात में कि हमारे पास भी कोई अच्छी खासी गाड़ी होगी। एक टाइम पर हमारे मेरे फ्रेंड ने मुझे स्प्लेंडर चलाने से भी मतलब उसने बोला था कि तेरी औकात क्या है, और उस टाइम पर साला एक बात दिल पर लग गई, और उस टाइम पर अपना ड्रीम बनाया कि भले इस बंदे ने मुझे औकात के बारे में बात की, पर उस बंदे को मैं बोलकर आंसर नहीं दिया। वो नहीं बोलते कि अपनी मेहनत को खामोशी से करो, आपकी कामयाबी एक दिन शोर मचा देगी, और मैंने उस टाइम पर बोलकर आंसर नहीं दिया, उस टाइम पर मैंने करके आंसर दिया, समझ में आ गया, और मैंने खामोशी से मेहनत करता रहा और शोर तो मेरी गाड़ी ने मचा दी। ओके, सीनियर से एक और सवाल करना चाहेंगे। सीनियर, आप मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी की तरफ से आपने टूर अचीव कर रखा है, व्यूअर्स को बताना चाहोगे टूर कौन सा था वो? ओके, जैसा कि आपको पता कि हम यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं कोई रिवॉर्ड के तौर पर कोई ना कोई चीज़ें मिलती होती है, पर उसके लिए मैं पता ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ करना भी पड़ता है, राइट? तो उस टाइम पर एक टास्क था छोटा मोटा कि अगर ये इतना मतलब अपना टास्क कंप्लीट करते तो आपको शिमला का टूर मिलेगा, और रियल बता रहा हूँ कसम से, मेरे पूरे एरिया के अंदर, पूरे जो अपना तालुका के अंदर कोई भी बंदा शिमला नहीं घूम के आया होगा, पर वहाँ पर बर्फ गिरी थी। एक टाइम पर ये मैंने देखा था कि दिल्ली का लाल किला भी होता है, मैंने नक्शे के अंदर मतलब नक्शे के अंदर देखा था, उसके बाद मैं वहाँ पर क्या बोलते अपने जो पुस्तक के पेज के ऊपर देखा था, पर इसी कंपनी की वजह से, इसी यार की वजह से सर आज मैं लाल किला भी घूम के आया। आज सर मैं शिमला कुफरी, जहाँ पर एक राइड के भाव होते 1,000 रुपये, 2,000, 5,000 राइड के भाव होते, उसी राइड में भी मैं बैठ गया।